सो हे वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पीवाईक्यू ऑफ द ईयर 2023 क्लास 10th आईसीएसई. लेट्स स्टार्ट. आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. ये हमारी स्प्रिंट सीरीज चल रही है जिसमें मैं बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट जो आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी. और इसी के साथ साथ अभी मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसको एक अच्छा सा एक्सप्लेन कर दूंगा छोटे छोटे वीडियोस में. तो आप जाके देख सकते हैं. आ रहा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन म्यूटेशन. तो म्यूटेशन क्या होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. म्यूटेशन इज अ सडन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरमेंट. ठीक है, सडन चेंज अब कहां हो रहा है? इन द डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा एक बार देख लेते हैं म्यूटेशन का. म्यूटेशन इट इज द चेंज इन डीएनए बेस पेयर. डीएनए बेस पेयर सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सच एज यूवी लाइट और ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन का ये डेफिनेशन है. म्यूटेशन इट इज द चेंज इन डीएनए बेस पेयर. ठीक है, म्यूटेशन क्या है? इट इज द चेंज. यहां पे हम लोग सडन भी लिख सकते हैं क्योंकि म्यूटेशन इज सडन चेंज. ठीक है, जैसे इवोल्यूशन होता है इवोल्यूशन से भी हमारे डीएनए में और जीन्स में चेंज आता है. लेकिन इवोल्यूशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, उसमें धीरे धीरे करके जीन्स में जो है वो बदलाव आते जाते हैं. लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं म्यूटेशन की. सो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन डीएनए बेस पेयर. सडन चेंज इन डीएनए बेस पेयर सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है हमारे, जैसे कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, यूवी लाइट. अगर हम लोग यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट लाइट के संपर्क में आते हैं, गेटिंग कॉन्टैक्ट विद द यूवी लाइट, तब क्या होगा? तब जो है हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक सडन चेंज हो जाए हमारे जीन्स में, जो हम लोग को हो सकता है कि पता भी ना चले लेकिन जीन्स में वो चेंज हो जाए. तो म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन डीएनए बेस पेयर सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज यूवी लाइट या फिर डीएनए नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उस प्रोसेस के समय भी म्यूटेशन हो सकता है. ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, म्यूटेशन इज सडन चेंज इन डीएनए बेस पेयर. ये हम लोग को याद रखना है, ये म्यूटेशन का डेफिनेशन है, आप लोग इसे लिख सकते हैं. देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी अथवा मैं यहां से पढ़ रहा हूं. A pure breeding red flower variety of pea plant, capital R is crossed with pure breeding white flower variety of plant pea, that is small r. तो यहां पे क्या बोल रहा है? Pure breeding variety of pea plant. यहां पे pea plant हम लोग pea plant ही लेते हैं जब भी हम लोग Mendel's के कोई भी law के बारे में बात करेंगे या फिर जेनेटिक्स में हम लोग जनरली पी का ही देखते हैं. ठीक है, तो उसने बोला प्योर वेराइटी ऑफ रेड फ्लावर दैट इज कैपिटल आर. ठीक है, प्योर वेराइटी रेड फ्लावर. ठीक है, देन प्योर वेराइटी किसका लिया है? व्हाइट फ्लावर दैट इज स्मॉल आर. ये दोनों को क्रॉस करने बोल रहा है. ठीक है, ये दोनों का क्रॉस करने बोल रहा है. फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ड्रॉ पनेट स्क्वायर. ऑब्वियसली हम लोग पनेट स्क्वायर बना के ही देखेंगे. ड्रॉ पनेट स्क्वायर टू फाइंड आउट द फीनोटाइपिक एंड द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी बिलोंगिंग टू एफ टू जनरेशन. यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्टली ये दोनों को क्रॉस कर देंगे और फिर जो भी आएगा उसको फिनोटाइप और जीनोटाइप बता देंगे, लेकिन वो जो आएगा इन दोनों को क्रॉस करने के बाद हमारे पास F1 जनरेशन के फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियोज मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है, फिर उसके बाद जो F1 प्रोजेनी आएगी उसमें क्रॉस करवा रहा है और उससे हमें F2 जनरेशन मिलेगा और फिर हम उसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बताएंगे। तो अब ये दोनों को क्रॉस करते हैं हम लोग, ये ऐसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कैपिटल R, और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं स्मॉल r, ठीक है, ये हमारा पनेट स्क्वायर हो जाता है। पनेट स्क्वायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, मतलब वो बोला ही है वैसे, ड्रॉ पनेट स्क्वायर। तो हम लोगों ने ले लिया F1 प्रोजेनी आएगा, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r, तो सिंपली हम लोग ये दोनों को क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, F1 प्रोजेनी बोलते हैं इसको, ठीक है, F1 प्रोजेनी या फिर जनरेशन, ठीक है। तो क्रॉस करने के बाद हम लोग को F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस करेंगे, ठीक है, F1 प्रोजेनी में से दो लेंगे और उनका क्रॉस करवाएंगे। अब हम लोग F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, कैपिटल R स्मॉल r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया यहाँ पे, अब हम लोग को चार अलग अलग रिजल्ट दिख रहे हैं या प्रोजेनी दिख रही है। पहला है कैपिटल R, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, कैपिटल R, क्योंकि ये भी रेड फ्लावर्स दिखाएगा और ये भी रेड फ्लावर्स का ही जीन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल R, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कैपिटल R स्मॉल r की बात करें तो ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये भी कैपिटल R डोमिनेंट का रेड कलर ही शो करेगा, ठीक है, ये दोनों भी रेड कलर ही शो करेगा। और ये क्या है, स्मॉल r हमारा रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव है, ठीक है, ये हमारा F2 जनरेशन है या फिर F2 प्रोजेनी है। तो अब हम लोग को बोल रहा है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो नाम से हम लोग को समझना है फिनोफिजिकल, ठीक है। फिनोटाइपिक क्या मतलब है, फिजिकल कैरेक्टर्स जो हम लोग को देखने मिल रहे हैं इन प्रोजेनी में वो हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो में लिखेंगे। तो हम लोग को यहाँ क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट में हम लोग को रेड कलर देखने मिलेगा और यहाँ पे ये दोनों हेटेरोजाइगस यहाँ पे दोनों हेटेरोजाइगस है लेकिन हम लोग को रेड कलर ही देखने मिलेगा क्योंकि रेड कलर जो है वो डोमिनेंट कलर है, ठीक है, रेड कलर डोमिनेंट कलर है, इस वजह से हम लोग को ये दोनों भी रेड ही दिखेंगे। ये दोनों के जेनेटिक जीन्स में अलग है, ये दोनों का जीन्स अलग है लेकिन हम लोग को फिजिकल कैरेक्टर्स इन लोग का रेड ही दिखेगा और इसका क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। तो हम लोग क्या कर देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी रेड है, ये व्हाइट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3:1, 3 रेड और 1 जो है वो व्हाइट है, तो हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो में लिखेंगे 3:1। वही अगर हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पे हम लोग क्या देखने मिलेगा, ये अलग है क्योंकि ये क्या है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव, ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये दो है, ये एक है और ये एक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1:2:1। 3 रेड कलर तो हम लोग को दिखेंगे, 3 रेड कलर के फ्लावर दिखेंगे और एक व्हाइट कलर का फ्लावर दिखेगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो में आ गया 3:1। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली जाके देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि अरे एक तो डोमिनेंट रेड कलर दिखा रहा है और एक जो है वो हेटेरोजाइगस है जिसमें रेड कलर डोमिनेंट होने के वजह से हम लोग को रेड दिख रहा था लेकिन वो
हेटेरोजाइगस है इसलिए टू, और एक जो है वो रेसेसिव है हमारा व्हाइट कलर तो वन, ठीक है 1:2:1। तो ये हमारा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग को फिर से एक एक्सप्लेन वाई या गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स रोल अप ऑन अ हॉट सनी डे, एक्सप्लेन बाय गिविंग सूटेबल रीजंस। तो अब हम लोग को बोल रहा है कि हॉट समर डेज में कुछ प्लांट्स के लीव्स जो है वो रोल अप क्यों हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर जो है हम लोग ट्रांसपीरेशन के कॉन्सेप्ट से लेंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक है मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो ट्रांसपीरेशन का होगा कि क्यों हॉट समर डेज में लीव्स जो है वो रोल अप हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, एक बार मैं मॉडल आंसर पढ़ देता हूं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ऑन अ ब्राइट सनी डे रोल अप्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपीरेशन, ठीक है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स रोल अप ऑन अ ब्राइट सनी डे टू रिड्यूस द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपीरेशन। तो अब क्या होता है ट्रांसपीरेशन, हम लोग को पता है ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ द वॉटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर। ठीक है कोई भी प्लांट है उसका ये अगर ये सपोज ये लीफ है, ठीक है सॉरी काफी नहीं ठीक है ये एक लीफ है, ठीक है काफी बड़ा सा लीफ है। तो ट्रांसपीरेशन क्या कहां से होता है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम लीव्स, सॉरी लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर। ठीक है ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वॉटर इन द फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर। तो ये जो सरफेस एरिया है लीफ का उसको कम करके, ठीक है अगर रोल हो जाएगा लीफ तो लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा जिसके वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन कहां से हो रहा है, इट इज फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। ठीक है सरफेस एरिया ऑफ लीफ से ही ट्रांसपीरेशन होता है, और उस ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए लीफ जो है वो रोल हो जाती है। ठीक है लीफ जो है वो रोल हो जाती है जिसके वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और उसके वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है। ठीक है तो वही बोल रहा है कि लीव्स ऑफ सम प्लांट रोल अप ऑन अ ब्राइट सनी डे टू रिड्यूस द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपीरेशन, द रिड्यूस सरफेस एरिया अल्टीमेटली रिड्यूसेस द ट्रांसपीरेशन। तो यही था इसका छोटा सा कंसेप्ट, बस ये मॉडल आंसर मैंने पढ़ दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है और सरफेस एरिया से कैसे रिलेटेड है। सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपीरेशन, अगर हम लीव का सरफेस एरिया कम कर देंगे तो ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग बहुत क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल, व्हाट आई एम सेइंग, सेमी परमिएबल इज अ मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि केवल कुछ आयन्स जो है या कुछ पार्टिकल्स जो है वो उस मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। ठीक है ठीक है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। या फिर हम लोग इसको पार्शियल परमिएबल भी बोलते हैं। ठीक है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली स्मॉल पार्टिकल्स लाइक वॉटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड डज नॉट अलाउ लार्जर पार्टिकल्स लाइक सल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। यानी सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल, हम लोग को नाम से समझ आ जा रहा है कि सेलेक्टिवली परमिएबल यानी केवल कुछ पार्टिकल्स को सेलेक्ट करके वो अंदर आने देता है सेल के और या बाहर जाने देता है
और कुछ पार्टिकल्स यानी बिगर पार्टिकल्स, ठीक है, वो कुछ पार्टिकल्स जिनको अंदर आने दे रहा है या बाहर जाने दे रहा है वो स्मॉलर पार्टिकल्स है, जैसे कि वॉटर मॉलिक्यूल, और लार्जर पार्टिकल्स जैसे कि सल्यूट पार्टिकल्स उनको अंदर बाहर ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं होने देता है। तो वही हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक वॉटर कैन पास बट नॉट द बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सल्यूट इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल पूछा है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली स्मॉलर पार्टिकल्स टू enter or to go out and not allow the bigger molecules like solute molecules to pass through it. इसलिए वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर प्लांट सेल में मैं पूछूं कि फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन कौन सा है, तो फ्रीली परमेबल सेल वॉल है, क्योंकि सेल वॉल बिगर मॉलिक्यूल्स को भी जाने देता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को भी जाने देता है। सो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक वॉटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड डज नॉट अलाउ bigger molecules like solute molecules to pass through it. Cell membrane animal cell और plant cell दोनों में पाया जाता है। तो अगर animal cell से related भी पूछे तो भी example cell membrane ही होगा।